नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदेश कुमार। दोस्तों, आज हमेशा की तरह एक दूसरा नया कपल हमारे साथ है, तो मैं सबसे पहले इनका परिचय आपसे कराता हूं। जी, आप अपना नाम बताइए और कहां से आए हैं। हेलो, मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं इलाहाबाद से रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। आपका क्या नाम है बताइए। मेरा नाम तिड़ांशी रंजन है और मैं भी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से ही हूँ। रहने वाले हैं, दोनों इलाहाबाद से हैं। और आपकी मैरिज जो है वो हमारे द्वारा कराई गई। यस, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि यदि, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है, जैसा आपने देखा होगा। यस, तो आप ये चाह रहे हैं कि हम भी अपना जो एक्सपीरियंस है यहाँ का वो यूट्यूब पर डालें, जिससे कि दूसरे लोगों की मदद हो सके। बिल्कुल सर। तो ये आप अपना जो वीडियो बना रहे हैं डलवाना चाहते हैं यूट्यूब पर, आपकी मर्जी से पड़ रहा है। यस, बिल्कुल, हम दोनों की मर्जी से। मर्जी से भी पड़ कोई दिक्कत नहीं है दोनों को? नहीं। डाल दूँ यूट्यूब पर इस वीडियो को? यस, ठीक है। आपने मुझे घटना बताई और मेरे हिसाब से बड़ी ही परेशानियों को झेल करके आप इस मंजिल तक पहुँचे हो, और मैं कह सकता हूँ कि आज पति पत्नी के रूप में यदि बैठे हो तो उसके पीछे आपने परेशानी भी बहुत उठाई है। वो क्या घटना थी, कब आप निकले थे, कैसे पहली बार जो आपके साथ घटित हुई थी उसे बताइए मुझे। पहली बार हम दोनों निकले थे 29 अप्रैल को 2021 में जी। तो हम लोग निकले थे और हम लोग पूरी रात रास्ते से पैदल चल के हम लोग अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे गए थे। ठीक है। तो वहाँ पे हम दोनों, पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया था जी। एंड उसके बाद इन्हें अपने घर जाना पड़ा। इनको काफ़ी परेशानी हुई, इन्हें मारपीट भी हुई। मारपीट इनके साथ भी हुई, मारपीट आपके साथ भी हुई, हम दोनों के साथ जी। उसके बाद फिर इनको कहीं और भेज दिया गया था, इनके नानी के पास। फिर मैं अपने घर पे नहीं था। फिर काफ़ी टाइम के बाद इन्होंने फ़ोन किया, फिर हम दोनों साथ में गए। अच्छा, ले आया। आपके कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो चेंज हो गए होंगे उस समय? नहीं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो सब छीन लिया गया था, फिर मैंने वो नंबर रीन्यू किया। अच्छा अच्छा, छीन लिया गया था घर वालों ने, आपकी फैमिली ने छीन लिया आपके नंबर और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी छीन लिया गया। यस, बिल्कुल। तो फिर हमने वो नंबर रीन्यू किया, उसके बाद फिर इन्होंने कॉल बैक किया था, तो फिर हम उसके बाद इन्हें लेने गए थे 23 नवम्बर को। अच्छा, जब आप दोबारा लेकर गए, उसके बाद जो शादी कराई गई वो हमारे द्वारा आपकी शादी कराई गई है, जिसमें पहले आपकी आर्य समाज मैरिज हुई। यस यस, जिसका ये सर्टिफिकेट है, आप एक बार दिखा दीजिए, पढ़ लीजिए वीडियो। ये आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट है आपका, जो मैरिज हुई है। यस, प्रॉपर तरीके से मैरिज हुई थी, क्या क्या प्रोसीजर रहा था, थोड़ा सा वीडियो में बताइए। यहाँ पे जैसा कि एक शादी में होता है, सारे प्रोसीजर्स थे जी जी, बिल्कुल एकदम एक्सपीरियंस था, बस फैमिली नहीं थी, बाकी सारी प्रोसीजर फॉलो किया गया था। ठीक है। उसके बाद हमने आपका रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के सामने आपको पेश किया था। बिल्कुल। वहाँ से ये गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट है, इसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कहते हैं। यही लीगल दोनों सर्टिफिकेट हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। यस यस। तो जैसा पहली बार जब आपको पुलिस के पास जब गए थे, आपके पास कोई लीगल सर्टिफिकेट नहीं था, कोई आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं थे जिसके आधार पर आप ये प्रूव कर सको कि आपकी मैरिज हुई है, ऐसा ही था? यस, बिल्कुल सर। ठीक है ना। अच्छा, अब जो आगे का जो प्रोसीजर है उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ, जब जैसे आपको रजिस्ट्रार के यहाँ भेजा था तो वहाँ क्या प्रोसीजर रहा था? वहाँ प्रोसीजर बेटर था एंड वहाँ पे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसा कि यहाँ पे था, हमारा एप्लीकेशन सबमिट हुआ और उसके बाद रजिस्ट्रार ने हमसे क्वेश्चंस किए, हमारी एज वगैरह सब कुछ जानकारी ली, उसके बाद हमारा हो गया था। बायोमेट्रिक भी हुआ वहाँ पर? बिल्कुल, बायोमेट्रिक भी हुआ था। लगभग इस प्रोसीजर में टोटल कितना टाइम लगा था? हमारा मैक्सिमम 4 से 5 घंटे मैक्सिमम। 4 घंटे के लगभग है ना? यस। जो आपका टोटल टाइम लिया हो गया होगा, सेम डे ही आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया? यस, सेम डे हमारा प्रोसीजर हो गया था। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यदि कोई कपल इसको वीडियो देख रहा है तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? दिस इज द बेस्ट चॉइस इन हृदय सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको हमारी सर्विस इस तरह की लगी है तो। और मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि कई बार होता क्या है कपल्स के साथ, कि जब प्रोसीजर का पता नहीं होता है कि क्या प्रोसीजर है प्रॉपर, तो जल्दबाजी में कई बार लोग नोटेरी पर, एफिडेविट पर या डीड पर मैरिज करा लेते हैं, तो इस तरह की जो मैरिज होती है वो लीगल नहीं होती। ये आपकी जो मैरिज हुई है प्रॉपर तरीके से हुई है, कानून के आधार पर हुई है, तो ये पूरी तरह से लीगल है और आप दोनों लीगली पति पत्नी हैं। ठीक है जी। दूसरा, आपने बताया था कि भाई आप क्यों इतने टाइम इधर उधर रहे, उसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताएं। आप बताओ।
मैं अपने परिवार की वजह से ना इधर उधर डर के वजह से छिप के रहती थी कि मेरे परिवार को कोई खबर ना हो, जैसा पहले आपके बात क्योंकि पहली बार जब हम लोग घर से निकले थे ना, मैं ये राहुल के साथ अप्रैल में, तो मेरे घर वाले ना मेरे को पुलिस थाने पे लेके गए थे, हम लोग फोन करके गए थे, तो पुलिस वाले ना मेरे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो दोबारा से मैं कोई परेशानी, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मेरे को दोबारा से उठा ले जाए अपने घर। फैमिली को कोई नोटिस आया आपकी फैमिली? यस जी हाँ, हमारी फैमिली को नोटिस आया है जिस वजह से कोर्ट के लिए, तो हम दोनों को हमारी कभी घर पे बात नहीं हुई है, ठीक है, कभी कभार हमारी बात होती थी जी, तो उस वजह से हमें जाना पड़ रहा है कोर्ट में। आप बयान कराएं वहाँ पर, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोर्ट के पास इस तरह की कंप्लेंट पहुंची है कि भाई आप इनकी मिसिंग की या जो भी है कोई झूठी सांची कंप्लेंट कराई गई होगी, ये जब आप वहाँ पर दिखाएंगे सारा प्रोसीजर आप दोनों के बयान हो जाएंगे, उसके बाद आपका ये मैटर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि पॉसिबिलिटी हो तो आप अपने बयान कराने के बाद एक बार दोबारा से अपना रिव्यू दें तो बहुत अच्छा होगा, पॉसिबिलिटी हो तो आप दें।